क्वेश्चन नंबर 16 आप देखेंगे कि ये कार्नट इंजन से रिलेटेड है। इसमें दो हीट इंजन यूज किया गया है। कहा गया टू आइडियल कार्नट इंजन्स ऑपरेट कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है कि एक इंजन जो है वो जो भी हीट रिजेक्ट करेगा दूसरा उसको यूज कर लेगा। ऑल हीट गिवन अप बाय वन इंजन इज यूज्ड बाय द अदर इंजन टू प्रोड्यूस वर्क, है ना। तो ये कहा गया टू आइडियल कार्नट इंजन्स ऑपरेट बिटवीन टेम्परेचर्स T1 एंड T2, ठीक है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि दो हीट इंजन है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक। इन ये जो है T1 और T2 दो टेम्परेचर्स के बीच में ये वर्क करते हैं। यहाँ एक्सप्लेन किया गया कि T1 क्या टेम्परेचर है और T2 क्या टेम्परेचर है। बताया गया द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर ऑफ फर्स्ट इंजन इज T1, है ना। सपोज ये फर्स्ट इंजन है और ये सेकेंड इंजन है, तो फर्स्ट इंजन का जो सोर्स होता है, सोर्स हमेशा हायर टेम्परेचर पर होता है, उसको हॉट रिजर्वायर कहते हैं। इसका टेम्परेचर बताया गया T1, है ना। कहा गया द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर ऑफ फर्स्ट इंजन इज T1 एंड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर ऑफ सेकेंड इंजन इज T2। दूसरा जो इंजन है, जैसे क्या होता है कि इसके लिए फिर एक सिंक होता है, है ना। इसका जो सिंक है वो दूसरे वाले के लिए सोर्स है ये, ठीक। और ये जो हीट रिजेक्ट करेगा तो ये सिंक में रिजेक्ट करता है। ये सिंक जो है लोअर टेम्परेचर पर होता है, तो इसका टेम्परेचर जो है वो बताया गया T2, है ना। यहाँ पर कहा गया टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर ऑफ सेकेंड इंजन इज T2। टी इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक ऑफ फर्स्ट इंजन। फर्स्ट इंजन का सिंक ये है, इसका टेम्परेचर T है और यही सेकेंड वाले के लिए सोर्स का भी काम करेगा, है ना। तो ये कहा गया टी इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक ऑफ फर्स्ट इंजन विच इज ऑल्सो द सोर्स फॉर द सेकेंड इंजन। हाउ टी इज रिलेटेड टू T1 एंड T2 इफ बोथ इंजिन्स परफॉर्म इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक। तो जैसा कि हम लोग हीट इंजन के बारे में जानते हैं, हीट इंजन जो है सोर्स होता है, उसका टेम्परेचर हम लोग लेते हैं TH, हायर टेम्परेचर, है ना। और एक होता है सिंक जहाँ पर हीट रिजेक्ट होता है, ये लोअर टेम्परेचर पर होता है, ठीक। तो इसमें हम लोग इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं वर्क डन बाई हीट सप्लाइड। अगर यहाँ से हीट QH इसमें गया है, यहाँ पर QL हीट रिजेक्ट हुआ है, तो ये वर्क करेगा ΔW, है ना। तो वर्क डन बाई हीट सप्लाइड ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन से वर्क डन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं QH माइनस QL बाई QH, ये होता है 1 माइनस QL बाई QH। और कार्नट साइकिल से हम लोग प्रूव करते हैं कि ये हो जाता है TL बाई TH, मतलब कि QL बाई QH का जो रेशियो है वो TL बाई TH के रेशियो के बराबर होता है, ठीक। वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे। अगर यहाँ पर हम बात करें, इसमें ΔW जो है, ΔW पहले रहने देते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं इसी फॉर्मूले से QL बाई QH। सपोज इसने यहाँ से Q1 हीट लिया और इसमें Q रिजेक्ट किया, तो इसने Q ले लिया होगा और Q2 जो है इसने रिजेक्ट किया होगा, है ना। तो इसके लिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Q बाई Q1 इज इक्वल टू T बाई T1। यहाँ वाले से जैसे QL बाई QH जो है TL बाई TH के इक्वल है, वैसे यहाँ पर Q बाई Q1 T बाई T1 के इक्वल होगा। इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं Q2 बाई Q इज इक्वल टू T2 बाई T, ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसा कि देखा आपने यहाँ पर वर्णन कैसे लिखते हैं, QH माइनस QL, QH हीट सप्लाइड और QL हीट रिजेक्टेड, दोनों का जो डिफरेंस है वर्णन के इक्वल आता है। तो यहाँ पर मैं वर्णन निकालना चाहता हूँ पहले वाले हीट इंजन केस में, तो यह आएगा Q1 माइनस Q। दूसरे वाले केस में वर्क डन निकालूंगा तो आएगा Q माइनस Q2। इतना हीट सप्लाई हुआ, इतना रिजेक्ट हुआ, दोनों वर्क डन क्वेश्चन में इक्वल बताया गया। इसका मतलब Q1 माइनस Q इज इक्वल टू Q माइनस Q2, ठीक।
अब अगर मैं ऐसा करता हूँ कि Q से डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ, है ना, तो रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आएगा Q1 by Q माइनस वन, वन माइनस Q2 by Q। Q1 by Q को यहाँ से देख सकते हैं, Q1 by Q को T1 by T लिखा जा सकता है, माइनस वन, वन माइनस Q2 by Q को यहाँ से T2 by T लिख सकते हैं, है ना। तो T1 by T प्लस इसको ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा T2 by T इज इक्वल टू, ये माइनस वन उधर जाएगा तो इधर हो जाएगा वन प्लस वन टू, है ना। तो यहाँ से इसमें टी एल सी एम ले लेंगे तो ऊपर आएगा टी वन प्लस टी टू बाई टी इज इक्वल टू टू, है ना। तो यहाँ से टी का वैल्यू आएगा टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई टू, है ना। तो यहाँ पर जो टी का वैल्यू है टी वन टी टू से इस तरह से रिलेटेड है। अब ऑप्शन में देखेंगे कि जो थर्ड ऑप्शन है वो वैसा ही आया, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है।